दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए अरविंद केजरीवाल का आज फिर एक प्रोपोगंडा शुरू हो गया। उनका काम है पब्लिसिटी, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीसी मतलब बातचीत, बस यहीं तक सीमित है। और क्या चीज़, कहीं तबीयत ख़राब है, कहीं वो अब इंजेक्शन नहीं ले रहे थे, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत थी, यहाँ नहीं, यहाँ दोपहर को सब जगह निकल रहे हैं, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं है पंजाब में, यहाँ पर सिर्फ उनका क्या है ड्रामा। जब जेल में बैठे तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारा एक तेलंगाना के डॉक्टर से, सिर्फ तेलंगाना से इनकी बड़ी दोस्ती हुई उधर शराब वराब के उस पर, तो सिर्फ तेलंगाना का। अब इनको फिर आ गया, जब ये जाने को हुए वहाँ पे विदाई होनी है इनकी। और आपको बता रहे हैं कि इनको दो जो तो उसके पहले योजनाबद्ध तरीके से, चूँकि ये बड़े मुकदमेबाज हैं तो एक कोर्ट में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके पिटीशन दायर कर दी। और ये सब बातें कंफर्म किसने की है, आतिशी जी ने। आतिशी मान लेना जी इस समय पार्टी में नंबर वन पे चल रही हैं। आपको बता दें राखी बिरला बहुत पहले किनारे कर दी गई, तमाम लीडर बड़े बड़े लीडर थे, अलका लामा जैसे श्रेष्ठ लीडर भी आपसे हटा दी गई, राखी बिरला किनारे कर दी गई, पार्टी में ही हैं। और स्वाति जी को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके 7 थप्पड़, इनको भी जो छुट्टी मिली है 7 रोज़ा की मिली है, 7 रोज़ा, 3 7 रोज़ा की, और फिर ये 7 दिन मांग रहे हैं, पता नहीं क्या 7 इनका क्या हो गया। और आप देखिएगा सबका साथ इनका छूटता जा रहा है, सबका साथ छूटता जा रहा है इनका, मान का भी साथ छूट जाएगा, कांग्रेस का छूट ही गया, परसों ही तलाक हो गया था, 5 बजे ये हुआ था कि तलाक, सेपरेशन बिल्कुल। ये देखिए सुनीता केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनका ग्राफ इस समय गिर गया है, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो फिर इनको आगे कर दिया जाएगा। अब इस समय नंबर बढ़वाने में लगे हैं, इन्होंने खुद बताया, वास्तव में इनकी बीमारी का अगर सही जानकारी देती तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम मालेना का वास्तव में, उन्होंने बताया बड़े अच्छे ढंग से कि देखिए जो बीमारी है किडनी की है, कैंसर उसमें हो सकता है, बहुत जल्दी उसकी जांच होना ज़रूरी है, नहीं तो देर हो, उसके पहले भी बताया था उन्होंने कि उनकी तबीयत ख़राब है, 7 किलो वजन गिर गया है। आपको बता रहा है इस हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, दूसरा विश्वास के साथ क्या कह रही है कि 2 को नहीं वो 9 को जाएंगे। आपको बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, इस बात में कई वकीलों ने किसी भी उस पर पहले कह दिया कि मैं कोर्ट से देख लूँगा, मैं कोर्ट से जीत जाऊँगा, मैं कोर्ट से, आपको मालूम उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई हुई है कोर्ट ने की, ये पहले से ही कह नहीं कि 9 को जाएंगे, 9 को जाके आत्मसमर्पण करेंगे, 9 को आत्मसमर्पण करेंगे, ये पहले कॉन्फिडेंस से कर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना अगर इतना कॉन्फिडेंस किसी पर है तो ये दुर्भाग्य है आप पार्टी के लिए और इनके लिए जिनको आगे किया गया। इन्होंने क्या लिया, जप लिया, किसको, स्वाति जी को, आतिशी जी ने। अब ये किसी तरह से बनने के लिए इसलिए आगे आगे ये हर जगह कूद रही हैं। अब देखिए आगे क्या है, ये जो टेस्ट है पॉजिट्रॉन एडिशन टोमोग्राफी, ये टेस्ट जो है ये कैंसर के लिए होता है, रेडियो एक्टिव से एलिमेंट्स उसमें जाते हैं, जहाँ पे कैंसर प्रभावित होता है वहाँ जांच करते हैं, इसमें एक रेडियो एक्टिव इंजेक्शन दिया जाता है। और आपको बता रहे हैं इसमें एक चीज़, 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी बात है ये जब टेस्ट होता है तो आदमी अफीम नहीं पी सकता है, इसमें ए भी है, ये सब चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है, अफीम नहीं पी सकता, कोफीन नहीं पी सकता, ये से नशा नहीं कर सकता, अच्छा पैग वैग नहीं ले सकता। दूसरी आपको बताना है इस टेस्ट में 1/2 घंटे आदमी को चेयर में बैठना पड़ता है, उस दौरान कोई हरकत नहीं करेगा, उस दौरान कोई हरकत नहीं कर सकता, ये खजवाने लगे, कुछ ये करने लगे या फ़ोन करने लगे, ऐसा कुछ कोई हरकत नहीं करे। दूसरी बात उसको परहेज करना पड़ेगा, उसके पहले और बाद में परहेज करना, कुछ स्पेशल परहेज होते वो करना होता है। ये टेस्ट जो है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब आपको बताना है इस हिंदुस्तान में इस तरह के टेस्ट कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक लोगों ने ये सब बड़ा सिस्टम बिगाड़ लिया। ये मास्टर है केजरीवाल, इनका जो अभी मोहल्ला क्लिनिक था उसमें करोड़ों रुपए के घोटाले हुए,
एक ही मोबाइल नंबर, एक ही आधार कार्ड से तमाम लोगों के टेस्ट हुए, पैथोलॉजी के तमाम लोगों के, नकली सर्टिफिकेट बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में नकली वीडियो मेडिको लीगल और पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। ये हम नहीं करें, बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े उन्होंने स्वीकार किया। यही एक वजह है किसी बड़े उसमें वो गोली नहीं निकलती है, कॉर्टेज। आदमी मर जाता है जब बड़े गोलीकांड होते हैं, वो कॉर्टेज लास्ट में छिपा दी जाती है। दूसरा, जितने मेडिको लीगल हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ईएमओ बैठता है। ईएमओ क्या करता है, जब किसी के वो हो जाता है तो अंदर अकेले में बात करता, उस समय बार्गेनिंग होती है। हम नहीं कह रहे, तमाम लोगों ने, एक बड़े मंत्री ने कहा था, मुझको तो अब पता चला कि मेडिको लीगल इंडिया में सब चीज़ें राजनीतिक नेताओं में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लालू यादव जी थे, वो पता चला उनकी बहुत तबीयत खराब थी, चल नहीं पाते थे, कोर्ट में सब दिया। वहाँ के पटना के एक पार्क में, बहुत बढ़िया पार्क है, वहाँ मौज ले रहे थे, गाड़ी में एक रथ यात्रा टाइप की निकलती घोड़े की, उसमें बैठे थे, आइसक्रीम खा रहे हैं कहीं, ये वो, ये पोजिशन। मध्य प्रदेश का एक नेता था, उसकी नई नई शादी हुई थी, मतलब बुढ़ापे में, वो अपना बता रहा था कि मेरा ये है, और टहल रहा था वो, और डांस भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेता था, वो उसमें गया था पोलियो के उस पे, उसमें चेयर पे, कोर्ट पे, जब पता चला उसकी तारीख हो गई, मुकदमा हार गया, तो वो उससे उठ करके भागा। ये सब इंडिया में बहुत बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक नेता, उसकी लड़की ने अपना किडनी दान दिया, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग किडनी दान दिया, उसके बाद वो बता रही मैंने किडनी दान दे दिया। ये सब खेल होते हैं, जितने भी खेल होते हैं मेडिकल ग्राउंड में होते हैं, नहीं कहना चाहिए। पूरे दुनिया में सल्तनतें पलटती हैं मेडिकल लॉबी, और मेडिकल लॉबी के ये सबसे बड़े सरताज हैं, और ये रिपोर्टें बन जाती हैं। आप किसी से भी जाइए, थोड़ा पैसा खर्च होगा, मिल जाएगी। ये हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ ये है कि बेवकूफ़ बनाना, मजाक बना लिया है इन लोगों ने। और ये क्यों नहीं दो को जाएंगे, वहाँ चले जाएं, वहाँ से टेस्ट हो जाएंगे। इसके पहले इनको विपस्सना करनी थी, हकीकत में विपस्सना की इनकी जो स्थिति आई, वहाँ नहीं की है इन्होंने विपस्सना। इतने दिन मौन नहीं रहे, वहाँ फ़ोन करते रहे, फाइलें निपटाते रहे, अब इनको जेल में जाके विपस्सना करनी चाहिए। विपस्सना एक बहुत अच्छी आर्ट है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसे वहाँ चले जाएँ, वहाँ से डेट में आ जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बाकायदे भेजा जाता है बहुत अच्छे ढंग से, इसी बहाने बाहर आ जाएंगे, थोड़ा लोगों से मिल लेंगे। मगर नहीं, आतिशी जी ने कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि ये जो हैं 9 तारीख को ही जाएंगे। दूसरी आपको बताना, जनता क्या कह रही कि हाँ ये तो टेस्ट करा दीजिए, ये तो होने चाहिए, ये दो के बाद नहीं, दो से पहले आधे घंटे का टेस्ट है, कल करा लें, परसों करा लें, नर्सों करा लें, या 1 तारीख को करा लें, आधे घंटे। हाँ, मगर वहीं पब्लिक का क्या कहना, आप पार्टी के जो कार्यकर्ता खिसे आए हुए हैं, जो स्वाति लाबी के ग्रुप के हैं और जो मान के ग्रुप के, उनका कहना हाँ ये टेस्ट करा लें, इसके बाद इनका लाई डिक्टेटर टेस्ट होना ज़रूरी है। ये सब लोग कह रहे हैं इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लाई डिक्टेटर से इनको गुजरना बहुत ज़रूरी है। नार्को टेस्ट के अलावा इनके कुछ और भी टेस्ट होने जो बेहद ही ज़रूरी हैं। तीसरा इनका ये है कि हर हाल में एक लुकआउट नोटिस जारी कर दें, ऐसा ना हो 9 तारीख से ये बाहर चले जाएं। तमाम लोग हिंदुस्तान से भाग गए हैं, तमाम लोग। इस पे शासन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए। राजा हो या रंक हो, चोरी 1 रुपए के की तो चोर चोर कहलाएगा। अभी बता रहे हैं, दिल्ली में बड़ा दुख हुआ, दिल्ली के लोग बड़े शरीफ हैं, बड़े अच्छे हैं, जब ये मतदान करने गए तो लोग चिल्ला रहे थे चोर 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 चोर, तो वहाँ आप कार्यकर्ताओं ने कहा हम ऐसे चोर न मचाएं शोर, उन लोगों ने कहा भी। अब इनका नार्को टेस्ट की सब लोग बात कर रहे हैं, लाई डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके सभी टेस्ट होने जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएं बहुत ज़रूरी है। और एलर्जी की भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये भी है उसमें। तो ये सब चीज़ें इनका है, मैं आपको बताना है, आजकल ये सब टेस्ट के सर्टिफिकेट बन जाते हैं। और आपको बताना है, टोटल आपको बताना है, जो सरकार पैसा देती है हॉस्पिटलों में, जो मेडिकल का देती है, उस पे हॉस्पिटल
और कुछ डॉक्टर और मरीज मिलके अपना बंदर बांट कर लेते हैं कि 3 लाख रुपए का बजट है, 75,000 मरीज को मिल गया एक, और बाकी रुपया 1,25,000-2,25,000, ये सब खेल है पूरे दुनिया में होता, भारत में ये उसी खेल के माहिर हैं। कुछ भी हो ये सब नहीं होना चाहिए, 9 जून नहीं। हमें तो ऐसा लगता है ये जिस तरह से कहीं इसको पिटवा रहे हैं, कहीं उसको पिटवा रहे हैं, इनकी ये इच्छा है कि कुछ लोग अभी नहीं जा पाएंगे, हो सकता टाइम लग जाए, तो इनका है कि 4 जून को जब आप पार्टी हार जाए तो और सब लोगों को ले करके जाओ, चूँकि पूरे कुनवा लेके जाना, चूँकि केजरी बाबा और 40 इससे भी मोड़ हो सकते हैं, इनकी 40 की संख्या नहीं हो रही है, ये भी एक बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।